दोस्तों, अगर आपका अभी तक YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो इस वीडियो के अंदर आपको एक नया एक्सपीरियंस देने को मिलेगा। मतलब इस वीडियो के अंदर मैंने एक ऐसा एक्सपीरियंस दिया है जो आप लाइवली यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एक चैनल मोनेटाइज हुआ है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है तो यहाँ पर मैंने लैपटॉप के ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है। एक यूट्यूब चैनल को मैंने बहुत कम व्यूज़ पे, बहुत कम वॉच टाइम पे और बहुत कम वीडियो की लेंथ पे, एक एक मिनट की वीडियो पे और कुल 4 वीडियो के ऊपर, मतलब बहुत कम क्वांटिटी के वीडियो के ऊपर चैनल को फाइनली मोनेटाइज करवा दिया है। तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। आपको मैं लेकर चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और कंप्लीट डिटेल आपको वीडियो की स्क्रीन पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि बड़े यूट्यूबर क्या बोलते हैं और आपका भाई अजीम क्या बोलता है। तो यहाँ पर मैं एक चैनल को यहाँ पर ओपन करता हूँ। वॉच टाइम की सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूँ, सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर मैं चैनल सेल भी करता हूँ मोनेटाइज करने के बाद में, और ये चैनल फाइनली मैंने सेल कर दिया है। इसका पेमेंट भी आया हुआ था। तो अब मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आपको कुछ दिखाने वाला हूँ जो कि आपको देखने में एकदम यूनिक लगेगा, क्योंकि मैं सब यहाँ पर यूनिक ही दिखाता हूँ। तो ये माय बिजनेस के नाम से एक यूट्यूब चैनल मैंने क्रिएट किया था। दिल्ली का एक यूट्यूब चैनल है, मतलब दिल्ली में मुझे देना था। तो अब इसके मैं यूट्यूब स्टूडियो में जाता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना है दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर काम कैसे हो रहा है मेरा, ठीक है। ध्यान से एकदम, आप बिल्कुल उनसे मिक्सिंग मत समझना कि मैं और उससे रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, बिल्कुल अलग डालता हूँ। तो ये चैनल फाइनली हो गया है मोनेटाइज। यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन आप देख रहे हैं, माय बिजनेस के नाम पर मैंने इसका नाम रखा था और यहाँ पर लिखा है यू आर नाउ ए यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम वालों ने, मतलब हमें अपना साथी बना लिया है, पार्टनर बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यूट्यूब चैनल फाइनली मोनेटाइज हो गया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मोनेटाइज यू आर वीडियोज शॉर्ट्स एंड लाइव स्ट्रीम्स, ये सब आप पहले से जानते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं मोनेटाइजेशन होने के बाद में यूट्यूब चैनल को। तो यहाँ पर सिंपली मैं आपको शुरू से ही दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये अभी मैंने खोला है रिसेंट में ये यूट्यूब चैनल। किस टाइम मोनेटाइज हुआ है मुझे ये भी नहीं पता है। अब मैं फाइनली देखता हूँ कि किस टाइम मोनेटाइज हुआ। शुरू से शुरू करते हैं, लेट्स गो पे क्लिक करते हैं और आपके सामने यहाँ पर इस चैनल के अंदर में जाकर आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये यूट्यूब चैनल फाइनली मोनेटाइज हो गया है दोस्तों, गेट स्टार्टेड। यहाँ पर अभी मैंने इनकी वीडियोज़ का जो मोनेटाइजेशन है वो ऑन नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन में दिखाता हूँ कि 31 मई में 2023 यानी फिलहाल आज ये शाम को, अभी क्या टाइम हो रहा है, 9:45 हो रहे हैं, यहाँ पर 4:26 पे ये सुबह में मोनेटाइज हुआ, ठीक है। और यहाँ पर अब से कुछ घंटों पहले ये मोनेटाइज हुआ और ये मतलब पार्टनर प्रोग्राम का यहाँ पर नोटिफिकेशन पड़ा है। तो यहाँ पर इसमें मैं खास चीज़ क्या दिखाने वाला हूँ आपको, तो पहले आप कॉन्टेंट पर ध्यान दीजिए। पहला ध्यान ये देना है कि वीडियो कोई मोनेटाइज नहीं है, चैनल फाइनली मोनेटाइज हो गया है क्योंकि इसकी वीडियो को मैंने मोनेटाइज अभी नहीं किया है। तो यहाँ पर आप वीडियो की लेंथ देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, वीडियो की लेंथ कितनी है। 1:08 की है, 1:14 की है, 1:06 की है और फिर 1:20 की है, और सिर्फ 4 वीडियो 1 मिनट के आसपास की हैं और इन 4 वीडियो से ही चैनल फाइनली मोनेटाइज हो गया है। और यहाँ पर लाइव मैं आपको दिखाता हूँ, एक भी वीडियो नहीं है यहाँ पर, अभी गेट स्टार्टेड करने के लिए बोल रहा है लाइव को, कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ 1 मिनट की 4 वीडियो पे चैनल फाइनली मोनेटाइज हो गया है। ये एक ऐसा अलग एक्सपीरियंस है जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल सकता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पर मोनेटाइज यूट्यूब चैनल को करना मेरे लिए बहुत ही ईजी काम है, बहुत एकदम बच्चे की तरह, जैसे बच्चे को उठा के खिला लेते हैं ना, बहुत ईजी काम है। इसमें इतना बड़ा एफर्ट नहीं लगता है दोस्तों, और लोगों को 1.5 साल हो गए हैं मोनेटाइज नहीं हुआ, 2-2 साल हो गए चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ एक मिनट की 4 वीडियो से ही, कुल 4 वीडियो से और कुल 1 मिनट की वीडियो से चैनल मोनेटाइज हो गया। आपके सामने पूरा प्रूफ भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बात यह है कि आप कौन से तरीके से काम कर रहे हैं, आपको मैं बताता हूँ आप कौन सा तरीका इख्तियार करते हैं। आप बड़े यूट्यूबर को फॉलो करते हैं ज़्यादातर, कि जो बड़ा यूट्यूबर है वो आपको जो बता रहा है वो सही है, लेकिन वो जो आपको बताता है वो आपको अपनी ऑडियंस बना के रखता है ताकि आप रोज़ उनसे कुछ ना कुछ नया झूठ सीखते रहें, नई गलत बात सीखते रहें, नए पीछे रहने के तरीके सीखते रहें। तो वो चीज़ आप कर रहे हैं, आप डिफरेंट तरीके से काम करना ही नहीं चाहते। जो बंदा आपको सिखाना चाहता है उससे आप सीखना नहीं चाहते, जो बंदा आपको गलत झूठ बोल के बता रहा है उससे आप सीखना चाहते हो। एक चीज़ के जाल में आप फंसे रहते हो कि हाँ इनके चैनल के ऊपर लाखों में व्यूज़ हैं, 90,000 हैं, 80,000 हैं, 60,000 हैं, ये बड़ा यूट्यूब क्रिएटर है, बाकी सब छोटे यूट्यूब क्रिएटर हैं। लेकिन कुल मिलाकर आपको मैं समझाने की हर वीडियो में कोशिश करता हूँ, आप लोगों के बात समझ में नहीं आती है। जब तक आप नहीं समझोगे, जब तक आप उनकी वीडियो देखते रहोगे और हमेशा की तरह बेवकूफ़ बनते रहोगे। तो कुल मिलाकर अंत में मैं जाता हूँ और गेट स्टार्ट करता हूँ वॉच फ्रॉम एड्स को, ठीक है।
यहाँ पर वीडियो को मोनेटाइजेशन के लिए मैं यहाँ पर टर्न ऑन करता हूँ। यहाँ पर लिखा है रिव्यू वॉच पेज टर्म्स क्या है, यानी कि ये सब आप पढ़ सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे वॉच पेज मोनेटाइजेशन मेड्यूल, तो यहाँ पर इसको आई एक्सेप्ट द वर्ल्ड प्रोग्राम पे एक्सेप्ट करता हूँ। टर्म्स जो है कि यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट कर ली है मोनेटाइजेशन के लिए जो ये बोलते हैं। और फाइनली ये रिव्यू और एड्स, तीन तरह की एड चल रही हैं आजकल यूट्यूब के ऊपर, इनको फिनिश लेटर भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे फाइनली इनको यहाँ पर नेक्स्ट करके ओके कर देना है, क्योंकि ये एड्स सारी चाहिए मुझे अपने वीडियोस के ऊपर। यहाँ से बोलते हैं कि फिनिश लेटर भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे सारी वीडियो मोनेटाइज करनी है। तो यहाँ पर लिखा है मोनेटाइज ऑल, तो सारी जो चार की चार वीडियो है मेरी मोनेटाइज होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं फाइनली मोनेटाइज कर लेता हूँ सारी वीडियोज़ को। तो अब मैं यहाँ पर शॉर्ट फीड एड्स पे जाता हूँ, भाई को शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर टर्न ऑन कर देता हूँ, क्योंकि लोग करते हैं ना, इसको भी मैं कर देता हूँ, आई एक्सेप्ट कर देता हूँ, और इनका शॉर्ट का जो सेक्शन है वो भी मोनेटाइज होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मोनेटाइज होने वाली है, हो गई है मेरी जो है यहाँ पर लिमिट लगी है, ये वीडियो गलत बता दिया है या मेरे वॉच टाइम बढ़ाने की लैब, इसमें एड सूटेबिलिटी आ रही है। अब इसमें मुझे क्या करना है, ये थोड़ा सा मैं थंबनेल चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर पब्लिश पीला डॉलर आ रहा होगा, यहाँ पर एड सूटेबिलिटी आ रही है। अब क्या करना होगा, ये सब हटा देता हूँ मैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर लिखा है ये मेरी वॉच टाइम बढ़ाने की वॉच टाइम लैब, वॉच टाइम लैब में मैं यहाँ पर वॉच टाइम लैब, चलो भाई लैब खाली यही कर देता हूँ, इससे ही ये येलो डॉलर हट जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर थंबनेल चेंज कर देता हूँ, ये लो भाई थंबनेल ये लगा देते हैं, यहाँ पर सेव कर देते हैं। ये एड सूटेबिलिटी आई है येलो डॉलर वाली प्रॉब्लम, वो यहाँ से 10 मिनट के अंदर हट जाएगी, तो कभी कभी वो हाथों हाथ भी हट जाती है, तो देखो हाथों हाथ हट गई है। ये यहाँ पर वॉच लैब, वॉच टाइम लैब, तो YouTube के ऊपर फास्टेस्ट तरीके से काम करने का जो तरीका है वो अजीम को मालूम है, और जिस भाई को भी 4000 घंटे का वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, कुल मिलाकर यार जिसका चैनल इतने टाइम से मोनेटाइज नहीं हो रहा है, तो फाइनली वो अपने चैनल को मोनेटाइज करा सकता है। और आपने अपने भाई का एक्सपीरियंस तो यहाँ पर देख लिया है, एक सेकेंड के अंदर यहाँ पर ये डॉलर भी हट चुका है। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल मैंने आपको दिखा दी है कि कैसे कितने आसान तरीके से मैं किसी भी यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करा सकता हूँ। 2 साल से, 4 साल से या 10 साल से किसी का चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का या कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर सभी कुछ दे रखा है। जिस भाई को भी 4000 घंटे का वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर या कुल मिलाकर चैनल को मोनेटाइज कराना है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। सो मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।